इधर मादी छोड़ी है और ये होती है तजर्बे की बात। ये देखें कि पापा ने कहा कि यार ये यहाँ पर ना, पहले हमने छोड़ी भी थी मादी उधर, वो छोटे से केज में, ना ये चल पा रही थी ना ये उड़ पा रही थी, पर वगैरह नहीं मार रही थी। और पापा ने मुझे कहा कि यार इसको ना इधर छोड़ें ताकि ये चले फिरे और थोड़ी इसकी मूवमेंट होगी इसके जिस्म की, तो शायद ये चल पड़े। और यकीन करें कि अभी मैंने छोड़ी है मादी, उड़ के नीचे बैठी है और दो राउंड लगाए हैं इसने और ये बड़ी मार दी है इसने, चेक करें। तो ये होती है प्रैक्टिकल करने की बातें, तजर्बे की बातें। ये देखिए इसने बिट मार दी है, अब ये बाजरा बिट में निकला है इसके, है ना, बाजरा नहीं है। ये देखें हम कैमरे में देखें, ये देखें एक ये है और एक ये है, बाजरा है, कोई नहीं खा रहा है। यानी कि इसके स्टमक ने सही काम नहीं किया अभी, है ना। नहीं, वो जो अड़े हुए थे ना बाजरे के दाने, मेरे ख्याल से जो उसकी वेन में और वो मैदे वाली में, वो सीधा वैसे 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 निकाल दिए। ये अभी ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह, थोड़ी सी देर में ठीक हो जाएगी। चल पड़ी है यानी क्या बिट का में, ये जो कलर है ना इसका, ये निशानी है, ये पानी है और ये जो हरी हरी सी है ना, तो ये निशानी है इसके चलने की। ये जो ब्लॉकेज थी ये निकली है, हरी हरी है ना। जी हाँ जी, ये भी थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। किधर गई? दोस्तों ये माती है और ये पूरी एक्टिव हो गई है माशाल्लाह। ये देखें ये होती है दोस्तों तजर्बे की बात। अब देखें माशाल्लाह एक्सपीरियंस है पापा को, तो माशाल्लाह देख लें थोड़ी सी वो जौन सा सिर्फ चेंज किया फार्मूला और दस्ती जौन सा फ़ौरन फीमेल चल पड़ी माशाल्लाह। अब ये देखें जितना ये चले फिरेगी उतना इसके लिए अच्छा है ना पापा। बिल्कुल ऐसे ही कबूतर को चलना फिरना चाहिए। वो ऊपर से अभी देखें ये लगी हुई है ना मूवमेंट में, इसकी फुल मूवमेंट हो रही है इस टाइम, एक्सरसाइज हो रही है। तो ये इंशाल्लाह बहाल हो जाएगी और अल्लाह पाक खैर करेंगे इंशाल्लाह। मज़ीद जो भी अपडेट होगी अपने दोस्तों को देंगे वो। अब अगला स्टेप क्या पापा इसका? बस ये पानी दिया है इसे, ये पानी हजम करेगी तो थोड़ा सा पानी जो है उसको बढ़ा देंगे, फिर वो हजम कर जाएगी तो फिर उसके बाद इसे कुछ खाने पीने को देंगे। दो बार इसको पानी देना, यानी कि अब ये जो एक पोटे में है और एक इसके बाद। हाँ जी, और तीसरी बार भी इसको खाने को देंगे। हाँ जी हाँ जी, ऐसे बाजरा देंगे या मोटा दाना देंगे? नहीं नहीं बाजरा देंगे, मोटा दाना नहीं देना। और कितना मकदार कितनी देंगे? बस गिनती के दाने देंगे, बराए नाम बस इसे तसल्ली हो जाएगी कि मैंने कुछ खा लिया। अच्छा, फिर उसके बाद जब वो हजम करेगी तो फिर इसको राजमा दाना के फिर भी खींच के देना? नहीं, फिर भी एक दो टाइम जो है ना इसको थोड़ा थोड़ा दाना देंगे, बज़ाहिर देखने में अब फिट है वो। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, चल पड़ी है दोस्तों मादी, अल्लाह पाक का शुक्र है। इसकी थोड़ी टेंशन थी मादी की, क्योंकि ये बहुत अच्छी परवाज दे के बैठ रही थी। और कल भी जब इसको मैंने बाजरा डाला था तो ये बाजरा, क्योंकि अपना सिस्टम अभी ऊपर का इतना नहीं है, प्रोफेशनल नहीं है, क्योंकि एक ही पिंजरा सारे उसी के अंदर कबूतर है। हमारा सेटअप इस तरह का नहीं है कि कोई सेपरेट हो, कोई पार्टीशन हो बीच में, इसी तरीके से बस जुगाड़ सिस्टम चल रहा है फ़िलहाल, शौक चल रहा है। अब इंशाल्लाह रावलपिंडी में जा रहा हूँ कुछ काम के सिलसिले में, उसके बाद वापसी आके फिर इंशाल्लाह ऊपर जाफरी बनानी है। जाफरी की कमी अब बहुत ज़्यादा महसूस हुई है जब मैंने इनको बाजरा डाला। कल जब मैंने बाजरा खिलाया तो मुझे बहुत कमी महसूस हुई है कि जाफरी होनी चाहिए, तो आके इंशाल्लाह पहला काम जाफरी का करेंगे, जाफरी बनवाएंगे। कल जब मैंने इनको बाजरा डाला बाहर तो ये मादी उड़ गई थी मेरे से, ठीक है, यानी कि ये अंदर नहीं गई, ये उड़ गई थी। और ये तकरीबन उसके बाद कोई उड़ने के बाद कोई आधा पौना घंटा इतना इसने बाजरा खाया हुआ था, पानी नहीं पिया हुआ था इस मादी ने, और ये उड़ गई थी, आधा पौना घंटा लगा के बैठी है। सही दिन लगा हुआ था कल, 35-36 टेम्परेचर था मेरे को, शायद 37 के करीब था, तो अच्छी खासी ये उड़ के बैठी है मादी कल भी, इतना पोट इसने भरे हुए होने के बावजूद। तो आज माशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है इसने, जो बाजरा इसने खाया था पूरा हक अदा किया इसने अपना। तो मज़ीद जो भी अपडेट होगी अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। पापा कुछ कहना चाहेंगे? कहना ये चाहूँगा, वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, बाजरे के बड़े कमाल हैं, बहुत कमाल है जो आप बनाते हैं बेसिकली। हाँ, आम नॉर्मल बाजरे की बात नहीं कर रहे, आप जो जो बना हुआ बाजरा जो आप बना उसके बड़े कमाल हैं।
माशाल्लाह ये कमाल आपके सामने है दोस्तों, ये रुके हुए थे प्रवास से कबूतर और आज माशाल्लाह निकलते के साथ आज टक करके जीरो आसमान गए हैं कबूतर और माशाल्लाह बहुत अच्छी परफॉर्म करके बैठे हैं। फिर किसी वीडियो में इंशाल्लाह ताला एक और तजर्बे की बात मैं बताऊंगा कि वो क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैंने वो साहब को कहा था, मैंने कहा यार इन्हें वो सादा दाना डालना है, बाजरा डालना है। वो जो साहब मोहब्बत थे उन्होंने वो बना हुआ बाजरा डाल दिया। फिर नेक्स्ट वीडियो में कभी इंशाल्लाह वो डिस्कस करेंगे, तफसीलन बताएंगे। ठीक हो गया, और नेक्स्ट वीडियो में फिर इस मादी का भी जिक्र जो सा वो कर देंगे कि हाँ जी, हाँ जी दिखा भी देंगे हाँ दोस्तों को। नहीं दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छी लगी होगी आप दोस्तों को। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।